गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की हमारी जो क्लास है उसमें वीडियो नंबर 6 चल रहा है, जिसके अंतर्गत लेसन नंबर 2 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें से हमने जनसंख्या वितरण पढ़ा, घनत्व पढ़ा और वृद्धि है चल रही है, जिसके अंतर्गत प्रवास पॉइंट तक पहुंच गए थे हम कि प्रवास क्या है। और प्रवास के अंतर्गत सामान्यतः हमने देखा था कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, ए स्थान को छोड़कर बी स्थान पर चले जाना, प्लान करना, प्रवास कहलाता है। और प्रवास के अंतर्गत हमने प्रकारों में पढ़ा था कि प्रवास है, उसके दो प्रकार बताए गए थे, स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास। तीसरे रूप में मौसमी प्रवास। स्वरूप की बात की थी हमने कि प्रवास के स्वरूप कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो प्रवास के स्वरूपों के बारे में हमने स्वरूप पढ़े थे, इसके 4। चार स्वरूप में पहला था गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, शहर से शहर की ओर। ये 4 स्वरूप पढ़े थे, 3 प्रकार पढ़े थे प्रवास के, और प्रवास को पढ़ा था कि प्रवास क्या होता है या किस प्रकार किया जाता है। देखिए, ये भी पढ़ चुके हैं हम, स्थायी प्रवास क्या है, अस्थायी प्रवास क्या है, मौसमी प्रवास क्या है। एक बार पुनः आपको रिपीट करवा देता हूँ कि स्थायी प्रवास क्या है, अस्थायी प्रवास क्या है, मौसमी प्रवास क्या है। स्थायी प्रवास के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि कोई व्यक्ति है जो उत्प्रवास और आप्रवास, उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास, व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया जो स्थान है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि ए स्थान को छोड़कर कहाँ चला गया, बी स्थान को, अर्थात ए स्थान तो यहाँ पर कहलाएगा उत्प्रवास, क्या कहलाएगा, उत्प्रवास, और बी स्थान कहलाएगा यहाँ पर आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास दोनों स्थान हो गए। देखिए, स्थायी रूप का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति है वो स्थायी रूप से ए स्थान से बी स्थान पर चला जाए, वापस पुनः लौट के ना आए, तो ये तो कहलाएगा स्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास के अंतर्गत कोई व्यक्ति है, हो सकता है 6 माह के लिए जाता हो सकता है कि महीने भर में जाता हो, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, जैसे रोजगार की तलाश में रोजगार करने के लिए जाता हो, एक माह जयपुर और दूसरे माह अपने घर पे, तो ये क्या हुआ, अस्थायी प्रवास। दैनिक प्रवास भी होता है इसके अंतर्गत, अस्थायी के अंतर्गत दैनिक प्रवास, जिसमें मैंने उदाहरण दिया था आपको दिल्ली का, कि जयपुर और दिल्ली के बीच जो लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं वो सुबह निकलते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं, जैसे ट्रेन की परिवहन की सुविधा है तो सुबह चले जाते हैं और शाम को पुनः लौट आते हैं वो लोग। मौसमी प्रवास के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि मौसमी प्रवास वो लोग करते हैं
जो जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग गर्मियों के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी वाले भाग के चले जाते हैं और पुनः वापस कहाँ जाते हैं, मौसम परिवर्तन होते ही पुनः लौट आते हैं। जैसे गुज्जर जाति का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हिमालय वाले क्षेत्रों में गुज्जर जाति पाई जाती है जो मौसमी क्या करती है, प्रवास करती है। यहाँ तक बताया स्टूडेंट। आगे देखिए प्रवास के स्वरूप में भी मैं वापस से एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ वैसे तो मैं घास के कीट जो प्रवास होता है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर ये किस प्रकार होता है, तो या तो गांव से गांव की ओर होगा, लोग क्या करेंगे गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चले जाएंगे, या क्या होगा गांव से शहर की ओर होगा कि लोग गांव छोड़कर कहां चले जाएंगे, शहर चले जाएंगे। तीसरा होगा शहर से गांव की ओर कि लोग कई बार क्या होता है कि शहर छोड़कर कहां आ जाते हैं, गांव की ओर आ जाते हैं। वैसे ही शहर से शहर की ओर हो सकता है, छोटे शहर से बड़े शहर की ओर प्लान हो उनका, अर्थात उन्होंने क्या कर लिया वहाँ पर प्रवास कर लिया हो। उत्प्रवास और आप्रवास के अंतर्गत आपको बता दें कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्प्रवास क्या है और आप्रवास क्या है। तो इस प्रकार ये रहा प्रवास का कि स्वरूप प्रकार और प्रवास क्या है। अब देखिए हम जब प्रवास के बारे में पढ़ रहे हैं तो आगे जो इसमें होगा कि प्रवास है लोग क्यों करते हैं, क्या कारण है उसके कि प्रवास क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जिसके अंतर्गत प्रवास किया जाता है। तो देखिए दो कारक होते हैं, एक तो प्रतिआकर्षित कारक होता है और एक अपकर्षित कारक होता है। अब प्रतिवर्षी कारक अर्थात प्रतिकर्ष अर्थात जो आकर्षित करता है उसको कि क्या कारण है कि लोग वहाँ पर स्थान छोड़कर चले जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अप्रतिकर्ष कारक। जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कि प्रकाश को प्रभावित या प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो दो कारक होंगे। पहला कारक तो होगा अपकर्ष कारक और दूसरा होगा प्रतिकर्ष कारक। एक तो हुआ आपका अपकर्षी कारक और दूसरा हुआ प्रतिकर्षी कारक। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों में देखिए या अपकर्ष कारकों में देख लेते हैं पहले कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपकर्ष क्या होता है अर्थात उसकी लोग आकर्षित क्यों होते हैं। तो शहरों में क्या होता है कि गांव के अपेक्षा काम के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, काम के बेहतर अवसर प्राप्त होना अर्थात क्यों प्लान करेंगे, क्योंकि उनको आकर्षित करने वाला हम कभी किसी क्षेत्र में जाते हैं या हमें कोई चीज़ का होता है तो हम क्या उसके आकर्षित होते हैं, हम उससे एक तरीके से होते हैं कि आखिर ऐसा करें हम भी। तो लोगों का प्लान होगा प्रवास होगा वो क्यों होगा कि वहाँ पर काम के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि रोज़मर्रा के जो रोज़गार के साधन है वो वहाँ उन्हें सुलभता से उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा है इसमें कि रहन सहन की उच्च दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर रहन सहन की जो प्लान जिस क्षेत्र में किया जा रहा है जहाँ पर थे उसकी अपेक्षा जिस क्षेत्र में प्लान किया जा रहा है वहाँ पर रहन सहन की उच्च दशाएं पाई जाएंगी। अपेक्षाकृत कैसे, जहाँ पर ये पहले रहते थे उसकी अपेक्षा यहाँ पर रहन सहन के लिए उच्च दशाएं पाई जाएंगी। इसके अलावा दूसरा कारक है कि जीवन की सुरक्षा, कि जिस स्थान पर प्लान किया जा रहा है, कई बार क्या होता है कि जैसे राजनीतिक कारण होता है कि वहाँ पर लोगों को है जो रहने के लिए यूँ कहूँ कि कई प्रकार की समस्याएँ होती हैं, जैसे कि मान के चल लूटपाट है या फिर यूँ कोई चोरी डकैती है, तो जहाँ पर जिस क्षेत्र से प्लान कर रहा है
मान के चलिए इस क्षेत्र से वो लोग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर चोरी डकैती लूटपाट आदि हो, और जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें क्या प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो। तो लोग क्या करते हैं, जीवन की सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। अगला है इसमें संपत्ति की सुरक्षा। संपत्ति की सुरक्षा कि प्लान जिस क्षेत्र से किया जा रहा है, प्लान जिस क्षेत्र से किया जा रहा है उसमें वहाँ पर संपत्ति की क्या है, सुरक्षा है। उनके पास जो निजी संपत्ति है, उनकी चला जो संपत्ति है उसकी क्या होगी, वहाँ पर सुरक्षा होगी। जबकि जिस क्षेत्र में पहले रह रहे थे हो सकता है वहाँ पर उनकी संपत्ति की क्या ना हो, सुरक्षा ना हो, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से प्लान कर रहे हैं। शांति जिस क्षेत्र में पहले रहते थे उस क्षेत्र में अशांति हो, किसी भी कारण हो सकती है, तो लोग वहाँ से क्या करना शुरू कर देते हैं, प्लान शुरू कर देते हैं। इनको आकर्षित अर्थात उस क्षेत्र में प्लान करने के लिए जो कारक है, जो एक तरीके से तत्व है, जो कारक रहे हैं प्रभावित कि हमें प्लान करना चाहिए, वो कारक है कि क्यों प्लान कर रहे हैं, क्यों इनका ध्यान उसकी तरफ हो रहा है। तो उसमें रहा शांति अगला पॉइंट कि शांति जिस क्षेत्र में प्लान कर रहे हैं हो सकता है उस क्षेत्र में क्या मिले, इन्हें शांति मिले। और जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर किस क्षेत्र में, अर्थात जिस क्षेत्र में पहले रह रहे हैं वो अशांत हो, इसलिए लोग क्या कर जाते हैं, वहाँ से प्लान कर जाते हैं। अनुकूलन जलवायु देखिए किसी भी क्षेत्र मानव के लिए, मानव है उसके रहन सहन खान पीन रीति रिवाज परंपराएं सारे चीज़ों को वहाँ की जलवायु प्रभावित करती है। और जब मानव के अनुकूलन वहाँ की जलवायु नहीं है होती है तो मानव वहाँ से क्या कर जाता है, प्लायन कर जाता है। क्योंकि अनुकूल मानव अनुकूलन जलवायु होना आवश्यक है। यदि दूसरे क्षेत्र में मानव अनुकूलन जलवायु है वहाँ पर देखिए जनसंख्या के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वितरण भी अधिक पाया जाता है, घनत्व भी अधिक पाया जाता है और सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि भी क्या रहती है, अधिक रहती है। अतः प्रवास को प्रभावित करने वाले आकर्षित करने वाले कारकों में, लोगों को प्रवास को आकर्षित करने वाले कारकों में अनुकूलन जलवायु भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा है, अगला है स्थायित्व। जो लोग अस्थायी रूप से निवास करते हैं वो रोजगार तलाश या इस प्रकार का मिल जाने के कारण स्थायी रूप से वहां पर क्या करते थे, वो निवास करना प्रारंभ कर देते हैं, वहीं पर अपना स्थायी निवास हो जाता है। जैसे प्रकारों में पढ़ा था ना स्थायी अस्थायी और मौसमी, उसी प्रकार ये लोग क्या करते हैं, स्थायी निवास करना प्रारंभ कर देते हैं वहीं पर। अब प्रतिकर्ष कारकों में अर्थात इनको जो प्रभावित किया कि इनको जो धकेला गया कि हमें यहाँ से प्लान करना चाहिए, क्योंकि इनके सामने क्या रही उस समय समस्याएं रही, और उन समस्याओं में जो समस्या है उनमें पहली समस्या है इनके सामने बेरोजगारी। पहली समस्या इनके सामने रही वो रही बेरोजगारी, कि बेरोजगारी के कारण ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से प्लान कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर उचित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, उचित रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके कारण इनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से प्लान कर जाते हैं। और प्लान करने के कारण इनका यही रहता है कि हम उस क्षेत्र में जाएं जहाँ पर हमको क्या मिले, काम के बेहतर अवसर मिले। हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ से हमें काम के बेहतर अवसर मिले और अपने परिवार का उचित पालन पोषण कर सके, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं। अगला है इसमें रहन सहन की निम्न दशाएं। दूसरा कारक हम देखें तो रहन सहन की निम्न दशाएं।
जिस क्षेत्र में ये निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र में रहन सहन की निम्न दशाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। और इनका यही रहता है कि जिस क्षेत्र में हम पलायन करें उस क्षेत्र में, देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ इनका कि परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? बेरोजगारी थी। बेरोजगारी क्यों थी? कि इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो प्रथम तो ये रहा कि ये किसकी तलाश में गए हैं, बेहतर अवसर की। यदि बेहतर अवसर इन्हें रोजगार मिल जाता है, उचित आय मिल जाती है, तो सामान्य तो जो निम्न दशाएँ पाई गई हैं वो कैसी हो जाएंगी, अब इनकी उच्च दशाएँ हो जाएंगी। अर्थात ये अब उच्च दशाओं के अंतर्गत, यो कहूँ कि इनका जीवन है वो पूर्णतः उच्च दशाओं के अंतर्गत पाया जाना प्रारंभ हो जाएगा। अगला है राजनीतिक उपद्रव। राजनीतिक उपद्रव, देखिए सामान्यतः कई बार क्या होता है कि राजनीतिक उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं कि वहाँ पर शांति नहीं हो पाती है, लोग राजनीति के कारण एक हिंसक रूप ले लेता है उस क्षेत्र में, तो लोग क्या करते हैं वहाँ से पलायन कर जाते हैं। और पलायन करने के वो ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहाँ पर राजनीतिक क्या मिले, उन्हें शांति मिले, अर्थात किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो। अर्थात यूँ कहूँ कि प्रवास में जो प्रभावित करने वाले कारकों में है वो मुख्य कारक के रूप में भी राजनीतिक कारक है, वो मुख्यतः प्रभावित करता है। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद जो राजनीतिक उपद्रव हुआ वहाँ पर, क्योंकि पार्टियों की अब राजनीति है उसके कारण कुछ विजय हुए और दूसरी पार्टी हारी, जिसके कारण कुछ राजनीतिक उपद्रव हुए और उपद्रव के कारण वहाँ के लोगों को हो सकता है पलायन करना पड़ा हो। इसी तरह कई क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसा होता है कि राजनीतिक उपद्रव के कारण ही वो लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और उस स्थान पर जाते हैं जहाँ उन्हें क्या मिले, शांति मिले। आगे है महामारियाँ। देखिए सामान्यतः जब भी प्लान किया जाता है, जैसे हम किसी सभ्यता के बारे में, जैसे यूँ कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बताया गया है कि जल के कारण, बाढ़ के कारण या काल पड़ने के कारण उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से प्रवास कर गए, वो लोग चले गए, जिसके कारण वो सभ्यता क्या हो गई, लगभग समाप्त हो गई। आज भी कई बार क्या होता है कि महामारियाँ जब आती हैं तो लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र से प्लान कर जाते हैं। जैसे सामान्यतः अपने क्षेत्र की बात करें, कोविड-19 के कारण एक गांव था अपने जहांगीरिया, उसमें जब कोविड-19 अत्यधिक फैला तो लोगों ने क्या किया, अपना जो क्षेत्र था उससे पलायन करके अपने खेतों की ओर चले गए, वो लोग अपने खेतों में निवास करने लग गए। तो महामारियों के कारण भी लोग क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना प्रारंभ कर देते हैं। यूँ कहूँ कि प्रवास को प्रभावित करने में महामारियाँ भी अपनी अहम भूमिकाएँ निभाती हैं। अगले कारणों में बात करें तो सामाजिक पिछड़ापन। देखिए सामान्यतः सामाजिक पिछड़ेपन के कारण भी लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। अर्थात जहाँ पर पिछड़ापन पाया जाता है, अंधविश्वास, रूढ़िवादी रीति रिवाज एक पिछड़ेपन के रूप में पाया जाता है, वहाँ से भी लोग अपना प्रवास कर जाते हैं और सामान्यतः उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर उन्हें उचित या सामाजिक जो प्रवेश पाया जाता है, अर्थात प्रवास को यह भी प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा है प्रतिकूल जलवायु। देखिए यदि मानव अनुकूल जलवायु नहीं पाई गई है तो सामान्यतः हम जानते हैं कि लोग क्या करेंगे, अपना मूल स्थान छोड़ेंगे। भाई मानव के रहने के लिए यदि अनुकूल जलवायु नहीं है तो वो लोग क्या कर जाएंगे, उसे प्रवास कर जाएंगे, अपना मूल स्थान छोड़ देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सामान्यतः हम देखते हैं कि जलवायु क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब जलवायु जब परिवर्तन हो रहा है तो कई बार जिन क्षेत्रों में जलवायु अचानक से परिवर्तन हो गया वहाँ पर वो लोग कैसे करेंगे, छोड़ के स्थान चले जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि ईसा पूर्व से पहले की बात करें
कि राजस्थान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा हुआ करती थी, आज जहां मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थल जैसलमेर में, ये वहाँ पर अवशेष पाए गए हैं, उर्स फॉल्स पार्क के अंतर्गत अवशेष पाए गए हैं कि विश्व की यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हुआ करती थी, क्योंकि अत्यधिक जल क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उसके क्या प्राप्त हुए, वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुई तो हो सकता है वहाँ पर लोगों का अधिक निवास हो सकता है कि वहाँ पर जनसंख्या पहले क्या हो, अधिक हो। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता गया तो इन लोगों ने भी क्या किया कि हो सकता है अपना स्थान परिवर्तन कर लिया हो। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जनसंख्या को जो प्रवास है उसको प्रभावित करने में जो जलवायु है वो भी क्या निभाती है, अपनी अहम भूमिका निभाती है। तीसरा है आर्थिक पिछड़ापन। जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में वो है आर्थिक पिछड़ापन। जिन क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है तो प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें आर्थिक पिछड़ापन भी है, वो लोगों को प्रभावित करता है। मुख्यतः जो आर्थिक, वही बात आ जाएगी कि आर्थिक स्थिति कहाँ पर डिपेंड करेगी, बेरोजगारी पर, रोजगार पर। तो लोगों का जो आर्थिक, अर्थात उनका जो जीवन स्तर कम पाया गया है, नीचा पाया जाया गया है, उसको पीछे वाले क्षेत्रों में, अर्थात अब क्या है उनको आगे बढ़ना है, अर्थात अपने रोजगार तलाशना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इस स्थिति में कि लोग क्या करेंगे, प्रवास करेंगे। और प्रवास उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां उनका क्या हो सके, आर्थिक पिछड़ापन है वो क्या हो सके, दूर हो सके। आर्थिक जो पिछड़ापन है इनका क्या हो सके, दूर हो सके। और दूर होके इन कारकों को, जो अपकर्षित कारक हैं उनको अप्रभावित, अर्थात इनको प्राप्त कर लें। इस प्रकार जनसंख्या प्रवास को प्रभावित, देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले जो अपकर्षक और प्रतिकर्ष कारक हैं उनका व्याख्या कीजिए, या उनका ये पूछ लेता है प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार बताइए, या ये पूछ लेता है प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, पुनः फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक को दो भागों में बांटा है अपन ने, एक अपकर्षक और दूसरा है प्रतिकर्ष। अपकर्ष के अंतर्गत अपन ने देखा है काम के बेहतर अवसर प्राप्त होना उन क्षेत्रों में होगा जहाँ पर काम के रोजगार के साधन उपलब्ध हो। दूसरा है रहन सहन उच्च दशाएँ, जिन क्षेत्रों में रहन सहन के लिए उच्च दशाएँ पाई जाएंगी उन क्षेत्रों की ओर क्या होगा, प्रवास होगा। जीवन की सुरक्षा, जिन क्षेत्रों में उनकी जीवन की सुरक्षा होगी उस क्षेत्रों में क्या करेंगे, वो प्रवास करेंगे। संपत्ति की सुरक्षा हो, उन लोगों की संपत्ति की क्या हो जाए, सुरक्षा हो जाए। तीसरा, उस क्षेत्र में क्या हो, शांति हो। अगला है अनुकूलन जलवायु, कि उन क्षेत्रों में क्या पाई जाए, अनुकूलन जलवायु पाई जाए, उन क्षेत्रों की ओर लोग प्रवास करेंगे और तब जाके वो स्थायी रूप से क्या करेंगे, वहाँ पर निवास करने लग जाएंगे। प्रतिकर्ष कारकों में बेरोजगारी के कारण लोग प्रवास करते हैं, दूसरा रहन सहन की निम्न दशाएँ पाई जाती हैं इसलिए करते हैं, चौथा है राजनीतिक उपद्रव होते रहते हैं इसलिए करते हैं, अगला है महामारियों के कारण लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, तो अगला है सामाजिक पिछड़ापन, अर्थात जिन क्षेत्रों में सामाजिक पिछड़ापन पाया गया और उस क्षेत्र को लोग छोड़कर दूसरे की ओर प्रवास कर जाते हैं। प्रतिकूल जलवायु, अपने अनुकूलन जलवायु न पाने के कारण लोग उस क्षेत्र की ओर, अन्य क्षेत्र की ओर प्लान कर जाते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, के लोगों का जो आर्थिक रूप से उनका निम्न स्तर पाया गया है उसको दूर करने के लिए लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। इस प्रकार ये प्रवास को प्रभावित करने वाले क्या रहे, कारक रहे, जिनसे जनसंख्या है वो भी मुख्यतः क्या होती है, प्रभावित होती रहती है। अर्थात हम यूँ कहें कि जनसंख्या में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, घनत्व में भी अहम भूमिका निभाता है, और वितरण के अंतर्गत भी अपनी क्या निभाता है, अहम भूमिका निभाता है, जिसके कारण जनसंख्या में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। आगे हम देखते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, एक बार पूछा गया था परीक्षा में कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो सामान्यतः जनसंख्या जो संक्रमण सिद्धांत है वो जनसंख्या के, यूँ कहूँ, डेवलपमेंट को, विकास को दर्शाने वाला है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार विकास
हुआ है, किन दशाओं में हुआ है। कुछ स्थितियाँ बताई गई हैं जिनके अनुकूलन वहाँ का क्या होता है, विकास होता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है। इसका उपयोग मुख्यतः जो फ्यूचर है, आगे का भविष्य है, उसके जनसंख्या वितरण या जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या वर्णन तथा भविष्य में जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि फ्यूचर में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्व अनुमान और भविष्य में की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्या? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि समाज, खेतिहर और अशिक्षित, देखिए खेतिहर, अशिक्षित और तीसरा इन्होंने कहा है ग्रामीण, कि किस प्रकार विकास होता है। अशिक्षित, ग्रामीण से परिवर्तन हुआ किसके कारण, जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के कारण। जननांकीय संक्रमण ने कहा कि ग्रामीण से तो क्या बने, शहर बने, और खेतीहर से क्या बने, औद्योगिक विकास हुआ, और अशिक्षित से क्या हुए, शिक्षित हुए लोग, अशिक्षित से शिक्षित हुए लोग। तब जाके यूँ कहूँ कि इसमें जन्म, मृत्यु और प्रवास में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जन्म, मृत्यु और प्रवास में है वो परिवर्तन हो जाता है। देखिए जननांकीय संक्रमण की तीन अवस्थाएं बताई गई है यहाँ पर। जननांकीय संक्रमण की तीन अवस्थाएं, अर्थात जो ये परिवर्तन होगा ग्रामीण से शहर की ओर, खेतीहर से औद्योगिक की ओर, अशिक्षा से शिक्षा की ओर, ये जो परिवर्तन होगा इसमें तीन अवस्थाएं बताई गई हैं और तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं कुछ अलग अलग बताई गई हैं कि किस प्रकार इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिसमें पहली अवस्था में कहा गया है, जैसे प्रथम अवस्था की बात करें, अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में जो ये परिवर्तन होगा, जो जननांकीय हुआ है, अर्थात जो ये परिवर्तन हुआ है ग्रामीण से शहर की ओर, खेतीहर से औद्योगिक की ओर, अशिक्षा से शिक्षित की ओर, ये तीन अवस्थाएँ होंगी। वही बात कर रहा हूँ, पहले जो उदाहरण दे रहा था कि जन्म होता है फिर शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, तीन अवस्थाएं पाई जाएंगी जिसके कारण क्या होगा, इनमें परिवर्तन होगा। जिनमें पहली अवस्था की बात करें हम, तो पहली अवस्था के अंतर्गत जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था की बात करें तो इसमें जो जन्म दर है, अर्थात जन्म लेने वालों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। देखिए जन्म लेने वालों की संख्या, अधिक होगी, लेकिन ध्यान रखें, लेकिन मरने वालों की संख्या भी अधिक होगी। जन्म लेने वालों की संख्या भी अधिक है तो मरने वालों की संख्या भी अधिक होगी। यूँ कहूँ कि उच्च जन्म दर पाई जाएगी और उच्च ही मृत्यु दर पाई जाएगी, दोनों स्थितियाँ हैं, अर्थात जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जन्म दर भी क्या है, उच्च है, और मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है। इस स्थिति में क्या होता है कि उनको सुविधाएँ नहीं मिल पाती है, पूर्णतः शिक्षित नहीं है, पूर्णतः उस समय की ऐसी होती है कि इनका जन्म भी अधिक हुआ लोगों का, और सुविधाएं ना होने के कारण मरने वालों की संख्या भी अधिक रही। तो मैं इस पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूं, उच्च जन्म दर और उच्च
मृत्यु दर, दोनों स्थितियाँ हो गई कि उच्च जन्म दर पाई जा रही है और उच्च क्या पाई जा रही है, मृत्यु दर। जनसंख्या की धीमी वृद्धि दूसरी विशेषता रही इसकी कि जनसंख्या है उसकी कैसी वृद्धि, धीमी वृद्धि, धीमी वृद्धि। देखिए ऊपर वाले पॉइंट से स्पष्ट हो रहा है कि कैसी वृद्धि होगी, धीमी होगी, क्योंकि जन्म भी अधिक ले रहे हैं, मर भी अधिक रहे हैं, तो मर भी अधिक रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो वृद्धि होगी जनसंख्या की वो कैसी होगी, धीमी होगी। अगला है इसमें महामारियों के कारण जनसंख्या में कमी, कि प्रथम अवस्था के अंतर्गत महामारियां अधिक रही जिसके कारण लोगों के मरने वालों की संख्या भी क्या रही, अधिक रही, और अधिक रहने के कारण यहां पर जनसंख्या क्या रही, बहुत ही कम पाई गई। अगला है इसमें कि प्रथम अवस्था के अंतर्गत जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था के अंतर्गत अधिकांश जो जनसंख्या है वो किसमें लगी हुई है, खेतीहर, क्यों कहूँ कि कृषि में लगी हुई है, कृषि में है, ग्रामीण लोग हैं। किस अवस्था के अंतर्गत, प्रथम अवस्था के अंतर्गत की बात कर रहे हैं कि अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और कैसी है, ग्रामीण है। अगला है बड़े परिवार की प्रधानता, कि इसमें है जो बड़े परिवार हैं उनकी क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। प्रथम अवस्था के अंतर्गत जो लोगों का परिवार होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। परिवार बड़े रूप में पाया जाना। और अगली अवस्था जो इसकी विशेषता है, निम्न जीवन प्रत्याशा, निम्न जीवन प्रत्याशा, अर्थात प्रत्याशा का मतलब यहाँ पर है कि जो जीवन जीने की आयु है वो इनके क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, अर्थात अत्यधिक यो सुविधाओं ना होने के कारण ये कम उम्र में ही लोग इनका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अर्थात इनकी जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है। लोगों में निरक्षरता अधिक पाई जाती है, साक्षरता की मात्रा कम पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, किसकी, साक्षरता की मात्रा। अगली विशेषताओं में प्रथम अवस्था की बात करें तो निम्न प्रौद्योगिकी स्तर है, अर्थात प्रौद्योगिकी स्तर यहाँ पर न के बराबर पाया जाता है, क्या, प्रौद्योगिकी स्तर, अर्थात जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की ये विशेषताएं हैं। प्रथम अवस्था के अंतर्गत ये पाया जाता है, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या धीमी वृद्धि, तीसरा है महामारियां पाई जाती है, अधिकांश जनसंख्या कृषि और ग्रामीण में लगी हुई है, परिवार का बड़ा रूप पाया जाता है, और निम्न जीवन प्रत्याशा पाई जाती है, साथ ही साक्षरता की दर है वो भी कम पाई जाती है, और प्रौद्योगिकी जो स्तर है वो भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ये रही प्रथम अवस्था के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि जो परिवर्तन होगा, देखिए ये तो प्रथम अवस्था का था, अब दूसरी अवस्था में क्या होगा, इसमें परिवर्तन पाया जाएगा, किसमें, द्वितीय अवस्था, किसकी, जनसंख्या और जननांगीय संक्रमण की। तो द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जो पहली विशेषता है, उस पहली विशेषता में है समय के साथ घटती हुई उच्च जन्म दर, कि समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथ इनकी जो जन्म दर है वो कैसी पाई जाएगी, अब उच्च जन्म दर। देखिए मृत्यु दर हटा दिया है यहाँ से, पहले में क्या था, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, लेकिन यहाँ क्या हुआ, समय के साथ उच्च जन्म दर पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अब जनसंख्या क्या होने लग गई है, धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, कौन सी अवस्था में, दूसरी अवस्था में, जबकि पहली अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा था, केवल वृद्धि हो रही थी, किस गति से हो रही थी, धीमी गति से, लेकिन यहाँ पर समय के साथ उच्च जन्म दर पाई गई। घटती हुई मृत्यु दर दूसरी विशेषता है, घटती हुई मृत्यु दर, कि समय के साथ अब सुविधाएं बढ़ गई दूसरी अवस्था के अंतर्गत, और अब क्या हुआ कि वहां पर मृत्यु दर है वो क्या होने लग गई, घट गई। अगला है चिकित्सा
सुविधाओं का बढ़ना कि चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हैं वो निरंतर क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण मृत्यु दर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। चौथी विशेषता के अंतर्गत जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग अधिक होगा। जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग अधिक होगा, अर्थात कहने का मतलब अब जनसंख्या में जो वृद्धि है प्रथम अवस्था की अपेक्षा क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। ये रही द्वितीय अवस्था किसकी, जननांगीय संक्रमण की, सिद्धांत की। अब पढ़ते हैं तृतीय अवस्था, जननांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, उसका पूर्ण अनुमान लगा लिया जाता है कि वहाँ पर कैसा विकास होगा या किस प्रकार विकास हो रहा है, किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अन्य सभी का आकलन कर लिया जाता है। तृतीय अवस्था के अंतर्गत तृतीय अवस्था के अंतर्गत जो पहली विशेषता है वो निम्न जन्म दर व मृत्यु दर। ठीक है, यहाँ पर निम्न तो क्या हो गई, जन्म दर हो गई, और निम्न ही क्या हो गई, मृत्यु दर हो गई। देखिए जितने विकासशील देश हैं उनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भी क्या है, जनसंख्या अधिक है, लेकिन है कैसा, विकासशील है। यदि विकसित देश की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या में है जो क्या पाया जाता है, हास्य पाया जाता है। यूँ कहूँ कि हमारे सामने तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है वहाँ पर जनसंख्या का हास्य, कि उनमें क्या है कि आधुनिक तरीके से या उनके पास सब सुविधाएं होने के कारण मशीनीकरण हो गया है, जिसके कारण उन लोगों ने पहले क्या किया कि जनसंख्या को नियंत्रण किया, अब इतना नियंत्रित हो चुकी है कि आगामी समय में उनके सामने समस्या हो रही है किसकी, जनसंख्या की, कि वहाँ पर वृद्धों की संख्या तो अधिक पाई जाती है और युवाओं की संख्या क्या है, कम है। अर्थात तृतीय अवस्था में निम्न जन्म दर होगी और निम्न ही क्या हो जाएगी, मृत्यु दर। अर्थात यूँ कहूँ कि एक पेड़ है, उसकी अवस्थाएं चल रही हैं, कोई देश है गरीब है, उसके बाद में विकास विकासशील हुआ, अब क्या है, विकसित है, उसी क्रम में चल रहे हैं अभी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था के अंतर्गत। अगली विशेषता है इसकी कि स्थिर जनसंख्या मंद गति से बढ़ती जनसंख्या। अब क्या होगा कि जनसंख्या है वो मंद गति से बढ़ेगी, धीमी गति से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी जनसंख्या में मंद गति। तीसरी विशेषता रही है इसकी नगरीय जनसंख्या। देखिए प्रथम के अंतर्गत तो क्या हुआ था, ग्रामीण जनसंख्या थी, दूसरे के अंतर्गत क्या होता है, कुछ ग्रामीण हो जाती है कुछ नगरीय हो जाती है, लेकिन तृतीय अवस्था के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या समाप्त हो जाती है, केवल कैसी रह जाती है, नगरीय जनसंख्या रह जाती है। चौथी अवस्था के अंतर्गत अर्थात चौथी विशेषता है उच्च साक्षरता। देखिए पहले ये है कि जहाँ पर नगरीय जनसंख्या होगी वहाँ पर साक्षरता भी क्या पाई जाएगी, उच्च पाई जाएगी। अर्थात जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था के अंतर्गत जो चौथी विशेषता है वो उच्च साक्षरता पाई जाएगी। जैसे ग्रामीण थे वहाँ पर तो क्या थी, साक्षरता कम पाई गई थी, और जब शहरी हुए नगरीय हुए तो इनकी साक्षरता दर क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। अगली विशेषताओं में जो तृतीय अवस्था की विशेषता है वो विशेषता है इनकी उच्च तकनीकी ज्ञान। जैसे प्रथम के अंतर्गत इनके पास यूँ क्योंकि प्रौद्योगिक संबंधी इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इनको प्रौद्योगिक संबंधी जो जानकारी है वो अत्यधिक मात्रा में हो गई है। इस प्रकार जननांगीय संक्रमण की तीन अवस्थाओं में जो अंतिम अवस्था होगी वो अवस्था विकसित में होगी। कैसी होगी, विकसित में होगी। दूसरी अवस्था होगी वो विकासशील में होगी, और प्रथम अवस्था थी वो अविकसित के अंतर्गत थी, अविकसित के अंतर्गत थी। इस प्रकार किसी भी देश का आकलन, किसी भी क्षेत्र का आकलन, किसी भी राज्य का आकलन हम जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। पूर्व में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर भारत अपने किस अवस्था में है,
तो आरबीएससी का जब चलता था तो उसमें तो पांच अवस्थाएं बताई गई थी किसकी, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की, लेकिन हमारे जो सिलेबस है इसमें तीन अवस्थाएं बताई गई है, और तीन अवस्थाओं के अंतर्गत हम बात करें तो भारत है अभी दूसरी अवस्था के अंतर्गत है, विकासशील में है। अर्थात कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था के अंतर्गत है, तो अब क्या करेंगे हम, द्वितीय अवस्था के अंतर्गत करेंगे। जब पांच अवस्थाएं थी उस समय जब आरबीएससी में, तो उस समय भारत तीसरी अवस्था के अंतर्गत चल रहा था। आज के लिए इतना ही, पुनः हमारी कल क्लास होगी। यदि किसी टॉपिक से संबंधित या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट करें और पूछे, जो अगली क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।